हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्लास 8 एपीसी बुक्स, एमएल अग्रवाल बोलो, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स बोलो, ये वाले जो बुक है ये वाले आज हम लोग करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम सब? आई थिंक सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स करने वाले हैं एपीसी बुक्स का, जो है एमएल अग्रवाल भी कोई कोई बच्चे कहते हो। तो फिर ये वाले बुक का सोल्यूशन तुम लोग ही बताया था कि सर एमएल अग्रवाल का सोल्यूशन लेके आइए क्लास 8 का। सेलिना कंसाइस का ऑलरेडी अपलोडेड है, क्लास 7 का अपलोडेड है पूरा, क्लास 8 का अपलोडेड है पूरा, और क्लास 9 का जो है वो 80% अपलोड है। लेकिन क्लास 9 का जो है इस साल जो है बुक थोड़ा सा चेंज हो गया है। ऐसा कुछ नहीं कि बुक पूरा का पूरा चेंज हो गया है, कुछ क्वेश्चन एक्सक्लूड हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हो गया है, तो ऐसा करके एक चेंज हुआ है। तो जो भी चेंज हुआ है वो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो वाले जो वीडियो होगा वो वाले वीडियो हम चालू करेंगे 10 मई से 2023 का 10 मई से चालू करेंगे। तो आज जो है 1 मई, तो फिर 10 मई से चालू करेंगे। तो चलो फिर यहाँ पे सम्स बनाते हैं, देखो कैसे बनेगा, कैसे क्या नहीं बनेगा। चलो देखते हैं आज यहाँ पे कौन सा वाले क्वेश्चंस बना रहे हैं। उससे पहले जो है ये है कंटेंट जो है चेक कर लो, चेक करने के बाद चलो फिर सम्स पे चलते हैं। देखो आज हम लोग 10.1 करेंगे, लेकिन 10.1 में क्या है, ये जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये ऐसा नहीं कि हम लोग क्लास 8 में पहला बार कर रहे हैं, क्लास 7 में ये हम लोग करके आए हैं। क्लास 7 में क्या था, क्लास 7 में हम लोग का फंडामेंटल कंसेप्ट ऐसा कुछ था, ठीक है ना? तो वहां पे कुछ कंसेप्ट जो है वो ऑलरेडी हम लोग का समझा हुआ है। जो बच्चे क्लास 7 में अच्छे से रेडी किए हुए हो और मेरे से पढ़े हो, तो तुम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजीली बना लोगे, है ना? ये जो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये जो है ऑलरेडी सीखा हुआ चीज है 7 का। और यहाँ पे जो है फॉलोइंग एक्सप्रेशन राइट देयर डिग्री, डिग्री कैसे निकालते हैं वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था क्लास 7 में, ये हम लोग का प्रीवियस नॉलेज है। अब जो है ये एडिशन जो है, सब्ट्रैक्शन जो है, ये भी हम लोग क्लास 7 में करके आए थे। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा और सीखना है, और पहले चलो हम ये कैसे करना है कैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम एक और बार नहीं बताएंगे। चलो फिर ठीक है, चलो एक बार वो इंट्रो वीडियो, मतलब ये सारा कैसे करते हैं कैसे बनाते हैं हम बना लेते हैं, ठीक है ना, एक बार सीख लेते हैं। ठीक, तो हम यहां पे वो प्रीवियस वीडियो ही तुम लोगों को दिखाएंगे जहां पे हम कंसेप्ट समझाया था। तो चलो फिर उसको एक बार रिवाइज करो, उसको एक बार बहुत ध्यान से देखो, और देखने के बाद कंसेप्ट अगर अपने आप समझ जाते हो तो फिर ये सारे क्वेश्चंस मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले ही तुम लोग ये क्वेश्चन बनाने का ट्राई करना, और अगर क्वेश्चन बन जाता है तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में चले जाएंगे। अब जो बच्चे का लग रहा है कि सर इतना सारे सम करने से ही हो जाएगा, नहीं बेटा नहीं होगा, तो फिर तुमको अगर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि यहाँ पे एड ऑफ द फॉलोइंग करके यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, तो तुमको अगर ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो फिर बेटा सेलिना कॉन्साइज का अपलोडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना लिंक दिया हुआ रहेगा। जब ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगा तो उसके बाद देखना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन होगा, तो वहां से भी तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है ना? अगर चेक करना है तो कर लेना, अगर नहीं करना है तो फिर प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में है, तुम लोगों के पास भी है लिंक, ऑलरेडी सारा का सारा गिवन है तुम लोगों का, तो वहां से भी तुम लोग चेक कर सकते हो, ठीक है ना? तो चलो फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या फिर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है? चलो देखते हैं। देखो ये मोनोमियल मतलब क्या है, मोनोमियल मतलब कोई भी वन टर्म रहेगा, ठीक है ना? तो मल्टीप्लीकेशन में टर्म होता नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी बताया। जैसे कि मान लो 2 × 3 × 4 कितना टर्म है, एक टर्म है, ठीक है ना? मल्टीप्लाई में रहेगा तो वो एक टर्म है, लेकिन अगर 2 − 3 + 4 तो यहाँ पे कितना है, 3 टर्म है, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर 2x − 3x + 4x तो ये रहता है, तो ये भी क्या, इसके अंदर में काम करके हमको लिखना पड़ेगा कि कितना टर्म है। तो इसके अंदर अगर काम करोगे तो फिर ये एक टर्म आ जाएगा। क्यों, कैसे? देखो 2x − 3x ये हो जाता है −x + 4। −x क्यों, क्योंकि ये मैंने रैशनल नंबर पे सीखा है ना, एकदम फर्स्ट चैप्टर पे। क्या है, अगर +4 − 3 रहता है तो बड़ा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, −4 + 3 मैंने लिखा है, तो −4 + 3 अगर रहता है तो बड़ा नंबर का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो ऐसे होता है, ये वाले जो कंसेप्ट है इस कंसेप्ट का भी नीचे लिंक दिया हुआ रहेगा। देखना रैशनल नंबर पे या फिर रियल नंबर पे हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर में जो सारे जितना सारे मेथड हम लोग सीखे हैं ना, वो सारा का सारे मेथड का लिंक नीचे गिवन होगा। मैंने ऐसा भी है कि एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन या फिर रैशनल नंबर का एडिशन, मतलब मान लो कि 2/3 + 4/9 तो इसका इतना टाइप का सोल्यूशन होता है, वो भी मैंने दिखाया। 3-4 टाइप का सोल्यूशन मैंने दिखाया एडिशन का, तो वहां से भी तुम कोई भी एक चूज कर सकते हो। कि तो हमेशा हम ये करते हैं कि 2-3 मेथड दिखाते हैं, तो उससे जो सबसे अच्छा लगेगा उस मेथड को चूज करना है, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में ये क्या है, ये जो है एक ही टर्म हो जाएगा क्योंकि सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये एक टर्म है, तो फिर ये हो जाएगा मोनोमियल, है ना?
क्यों मोनोमियल हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि जब मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, जैसे कि मान लो कि 2 × 3 + 4 × 8, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना टर्म्स है? 2 टर्म है, ये है 1 टर्म, ये है 2 टर्म, तो 2 टर्म है मल्टीप्लीकेशन, मतलब वो एक ही टर्म बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बाइनोमियल, क्यों? क्योंकि 2 टर्म है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई एंड डिविजन है, तो इस वाले केस में क्या हो जाता है, देखो इसको भी मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि 3x² × y, इसको उल्टा कर दो 1/2z, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये किस में बदल गया, मल्टीप्लाई में बदल गया, तो फिर ये भी हो सकता है कि ये भी मोनोमियल हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज मोनोमियल, सेकंड वन इज मोनोमियल, एंड थर्ड वन जो है, यहां पे क्वेश्चन क्या है देखो, -3 + 7x², तो यहां पे प्लस से दोनों को डिवाइड किया गया है, तो ये जो है ये एक टर्म, दो टर्म, तो दो टर्म है, दैट मींस वो क्या हो जाता है, बाइनोमियल हो जाता है। दो टर्म है बाइनोमियल, एक टर्म है मोनोमियल, तीन टर्म है तब क्या हो जाता है, ट्राइनोमियल, और फिर एक से ज्यादा टर्म, मतलब दो टर्म रहे तो उसको पॉलीनोमियल भी कहते हैं, लेकिन जनरली हम लोग क्या करेंगे, जनरली मोर देन 3 को हम लोग पॉलीनोमियल लेंगे, ठीक है ना। ये कांसेप्ट जो है पहले से देख लो, अभी नहीं कि जो बच्चे वीडियो चालू करने के बाद इंट्रो वीडियो छोड़ के डायरेक्टली यहां पे आ गए हो, तुम लोग के लिए हम एक सजेशन देंगे, एक बात बताएंगे कि तुम लोग बेटा जाके इंट्रो वीडियो एक बार चेक कर लो, क्योंकि इंट्रो वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि वहां पे कांसेप्ट तुमको समझना है, और मैथ्स में कांसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कांसेप्ट एंड मेथड इसी के लिए ही टीचर के पास आते हैं। अगर जो बच्चे का समझ में आ जाता है तो टीचर के पास क्यों आएगा, तो टीचर हमें इसीलिए यूटिलाइज करना है टीचर को, क्योंकि टीचर कौन सा बोले मेथड यूज कर रहा है, टीचर कैसे कांसेप्ट को समझा रहा है, ठीक है ना। तो कांसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कांसेप्ट एंड मेथड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स, ठीक है, वही सबसे अच्छे से समझना है। क्वेश्चन बनाना मतलब सॉल्यूशन तो तुमको कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन कांसेप्ट कौन समझाएगा, कांसेप्ट सारा जगह पे नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे जो है नंबर 4 क्या हो जाता है, ये जो है इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 5x² - 3b² + c² 2, इसको ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5a² / 2 - 3b² + c² 2। कुछ बच्चे का मैंने क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कैसे लिख सकते, अगर मान लो कि ये है ही नहीं, ये तुम्हारे पास है ही नहीं, भूल जाओ। अब जो है ये वाले जो नंबर है इसका एलसीएम बनाओ, एलसीएम क्या होगा, तीनों का एलसीएम 2 है तो 2 विल बी एलसीएम, ऊपर में क्या बैठेगा 5a² - 3b² + c, यही ना बैठेगा, समझ में आ रहा है, यही ना बैठेगा। तो फिर यहां पे नीचे हम क्या करेंगे, ये जो है घूम फिर के देखो यही आ रहा है, तो दैट मींस यहां पे कितना टर्म्स है, प्लस माइनस से टर्म जो है डिवाइड हो गया है, तो 3 टर्म है, तो फिर ये वाले हो जाएगा ट्राइनोमियल, बात समझ में आ रहा है, ये वाले हो जाएगा ट्राइनोमियल, तो फिर ये 4th वन हो जाएगा ट्राइनोमियल। कैसे हुआ समझ में, नीचे अगर कुछ रहता है तो वो स्प्लिट हो सकता है हर एक में, क्यों, क्योंकि एलसीएम करके वही आंसर आ जाता है घूम फिर के, ठीक है। अब देखो ये नंबर 5 देख के समझ में आ रहा है कि ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ठीक है ना, और टर्म जो है ना ये साइन के साथ अलग होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है, ठीक है ना। तो फिर ये हो गया बाइनोमियल, यहाँ पे क्या है देखो एक डिवीजन है, तो यहाँ पे 5p / 3q - 3p² × q², ऐसा है, तो फिर ये डिवीजन को ये उल्टा कर सकते हैं 1/3q - 3p² × q², ठीक है ना। तो ये जो है एक टर्म, ये जो है दूसरा टर्म, क्योंकि सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन टर्म को अलग करते हैं, तो ये है टर्म नंबर 1, ये है टर्म नंबर 2, तो फिर 2 टर्म है, तो फिर ये हो जाएगा बाइनोमियल, तो फिर ये 6th वन हो गया बाइनोमियल, समझ में आया कि नहीं बोलो। चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, डिग्री क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया है, जो बच्चे वहां पे देखे हो तो तुम लोग फटाफट से डिग्री लिख लो किसका क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा पॉलीनोमियल है, कौन सा पॉलीनोमियल नहीं है वो देखना है, और फिर जो पॉलीनोमियल्स है उसका डिग्री भी निकालना है। तो पॉलीनोमियल्स का मतलब क्या है, हम लोग को कैसे देखना है, हम लोग बस ऐसे देखेंगे कि ये जो एक्स का 2 पावर है ना, ये सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब क्या है, x⁵, x⁴, 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 अगर ऐसे रहता है, या फिर x⁻², x⁻², x⁴, अगर x⁻³, x⁻², x⁻², x⁴, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहना है x का 2 पावर, ठीक है ना, मतलब पहले 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसा रहना है, ठीक है, तो तब जाके वो हो जाएगा पॉलीनोमियल। अगर ऐसे नहीं रहता है तो फिर क्या हो जाएगा, वो पॉलीनोमियल नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या है, पहले वो देख लेते हैं कि क्या क्या पॉलीनोमियल है। देखो इसका क्या है, x⁴, x⁻², x⁻१ और x⁴० मतलब क्या हो जाता है, 1 होता है, ये एक्सपोनेंट में हम लोग क्या था कि एनीथिंग 2⁻० इज 1, तो फिर अगर कोई भी एक कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर, तो यहां पे जैसे कि -1 है, तो -1 × x⁻० कर सकते हैं हम लोग, तो x⁻० मतलब क्या हो जाता है, ये भी 1 हो जाता है, तो -1 × 1 क्या हो जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ये एक पॉलीनोमियल है, तो ये नंबर 1 पॉलीनोमियल है। ये नंबर 2 में देखो x³ है, फिर नीचे x² आ गया,
नीचे एक स्क्वायर मतलब ये भी हम लोग एक्सपोनेंट पे किया है कि 3/x² मतलब 3 × x^-2, तो x^-2 हो गया तब ये नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा बोलेगा कि सर x^-2 हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे पहले तो है x^3 फिर माइनस जो है x^2 फिर हम लोग x^1 ले सकते हैं, मतलब x^1 कैसे 0 × x^1 ले सकते हैं, फिर यहाँ पे तो सर 5 × x^0 कर सकते हैं, तो ये तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है। लेकिन बेटा देखो अगर ऐसा रहता तो ये एक पॉलीनोमियल होता, लेकिन यहाँ पे 2^ में माइनस हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, मतलब ये जो है दूसरा कंडीशन है, ठीक है ना। देखना हम सीबीएसई का भी क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 में भी पॉलीनोमियल है, वहां पे भी मैंने बताया क्या बताया, दो कंडीशन है, मतलब पॉलीनोमियल होने का दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या क्या है, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रहना है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 जो है एक्स का जो 2^ है ना वो हमेशा पॉजिटिव होल नंबर में होगा, पॉजिटिव होल नंबर में होगा, समझ में आ रहा है। पॉजिटिव होल नंबर मतलब क्या है, जनरली तो होल नंबर होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो पॉजिटिव होल नंबर का कुछ बात नहीं है, तो इसको डायरेक्टली होल नंबर कर देता है, मतलब 0 से चालू होके एकदम पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तभी उसको हम लोग पॉलीनोमियल बताएंगे। पहला जो क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब 5, 4, 3, 2, 1, ये क्या है 2^ x का 2^, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में था x^4 x^2, फिर यहां पे देखो x, फिर यहां पे देखो 1, लेकिन यहां पे क्या था x^4 के बाद स्क्वायर आ गया, सर यहां पे तो 3 था ही नहीं, तो फिर आपने कैसे कह दिया। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, x^4 माइनस 0 × x^3 माइनस √3 × x² प्लस यहां पे 5x माइनस 1, तो ये लिख सकते हैं ना कि ये जो है 4 यहां पे 3 यहां पे 2 यहां पे 1 और यहां पे x^0 लिख सकते हैं, दैट मींस 1, समझ में आ रहा है कि नहीं, बात को बहुत ध्यान से समझो। तो ये 0 × x³ मतलब 0 हो जाता है, तो इसीलिए ये वाले टर्म जो है ओमिट कर दिया गया है, तो यहां पे ये वाले टर्म ओमिट किया गया है x³ वाले टर्म, तो फिर ये जो है ये ऐसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, है ना, ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेकंड लॉजिक है कि पावर्स जो है ये हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होल नंबर या फिर 0 से चालू होके हमको इन्फिनिटी तक होना है। तो पहला वाला लॉजिक क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है कि नहीं देंगे, अगर है फिर नंबर 2 वाले देखेंगे कि ये जो 2^ है ये होल नंबर है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो फिर यहां पे हम लोग उस वाले को बोलेंगे कि पॉलीनोमियल या फिर पॉलीनोमियल नहीं है। तो चलो यहां पे नंबर 2 का पार्ट देखते हैं। 2 का जो मैंने बताया ये जो है ना ये 3/x² है, यहां पे क्या है 3/x², तो एक्सपोनेंट पे हम लोग क्या था, ये जो है ना ये नीचे जो x² है ये 3 × x^-2 हो जाता है, जैसे एक्सपोनेंट पे हम लोग का एक फॉर्मूला है ना a^n दैट इज इक्वल्स टू 1/a^n। जो बच्चे क्लास 7 का क्लास 8 का ये एक्सपोनेंट नहीं किए हो तुम लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आएगा, हम बताएंगे कि एक्सपोनेंट का जो मैंने एक इंट्रो वीडियो डाला है जहां पे मैंने फॉर्मूला या फिर लॉ का या फिर बेसिक एक्सपोनेंट का जो कंसेप्ट समझाया है, दो वीडियो है उसका, एक है लॉ के रिगार्डिंग, दूसरा मतलब पहला वाला वीडियो है बेसिक एक्सपोनेंट का जो कंसेप्ट है डिटेल कंसेप्ट वो समझाया, दूसरा वाला समझाया कि लॉज के ऊपर एक्सपोनेंट में जितना सारा लॉज है वो कैसे है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में देखना लिंक मिल जाएगा, तो वहां से ये दोनों कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर लेना, कोई भी क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट जो है ये क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन देखना बहुत अच्छे से बनने लगेगा, ठीक। अब देखो क्या है यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पे क्या है, देखो a³ b² ab4 ab यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर है वो फुलफिल हो रहा है। देखो a³ b² फिर माइनस 3ab^4 फिर क्या है माइनस 5ab प्लस 2/3। जब ऐसे रहेगा ना तब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहां पे क्या इस वाले पार्ट पे क्या हुआ, इस वाले पार्ट पे देखो a का वैल्यू 3 है, फिर a का वैल्यू 1 है, यहां पे भी a का वैल्यू 1 है, फिर यहां पे 2/3 आ गया है, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है 0 0 हो सकता है, तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जैसा मेंटेन हो रहा है कि नहीं। तो देखो यहां पे स्क्वायर है, यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, फिर 0, ऐसा करके हो रहा है, तो बीच में एक 0 हम लोग ला ही सकते हैं ना, 0 हम लोग ला ही सकते हैं, यहां पे कौन सा है नहीं, इसको हम लोग ऐसे रिराइड कर सकते हैं कि नहीं, एक बार देखो तो ये पॉलीनोमियल होगा, लेकिन कैसे होगा, देखो 4a³b² माइनस 0 × प्लस 0 × करो, क्योंकि प्लस 0 × का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, प्लस करो या फिर माइनस करो बात सेम हो जाता है, ठीक है ना, तो 0 × 0 माइनस 0 वो 0 हो जाता है, तो यहां पे प्लस लिखो माइनस लिखो डजंट मैटर, तो यहां पे 0 × a² b³ ये लिख सकते हैं माइनस 3ab^4 माइनस 5ab, यहां पे क्या है प्लस 2/3। देखो कैसे क्या हो रहा है, देखो यहां पे a का क्यूब है, यहां पे a का स्क्वायर है, यहां पे a है,
यहाँ पे भी a है, यहाँ पे a टू द पावर जीरो है, है ना। तो फिर ये देखो एक a का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। अब b का देखो 2, 3, 4, 1 है ना, एंड जीरो, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक मेंटेन हो रहा है ना। और पावर्स भी हमेशा क्या है, पॉजिटिव में है, पावर्स भी हमेशा पॉजिटिव में है। तो इसके वजह से ये दो जो मैंने कंडीशन बताया, दो कंडीशन यहाँ पे वैलिड हो रहा है। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये जो बंदा है ये पॉलिनोमियल होगा, लेकिन इसका डिग्री कितना होगा, डिग्री हो जाएगा 5। कैसे 5 होगा, देखो यहाँ पे 3+2 करो कितना हो जाता है 5, यहाँ पे 4+1 करो कितना होता है 5। तो फिर मतलब जितना सारा वेरिएबल है, तो डिग्री कैसे निकाला जाता है, इस क्वेश्चन में बता रहा है डिग्री कैसे निकाला जाता है, टू द पावर में जितना कुछ रहेगा एड कर दो दोनों को, समझ में आ रहा है। डिग्री मतलब जो डिग्री में रहेगा, मतलब जो पावर्स में रहेगा उसको एड कर दो, तो एड करके जो आंसर आएगा उसको हम लोग बताएंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, समझ में। अगर यहां पे भी 3+2 था, यहां पे भी 4+1 है, तो दोनों ही 5 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 लिखेंगे इस पॉलिनोमियल का डिग्री। तो यहां पे दूसरा एक पॉलिनोमियल था इसका, तो इसका डिग्री कितना होगा, इसका डिग्री हो जाएगा 4, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम x टू द पावर 4 है। बात समझ में आ रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है। अब देखो ये तो पॉलिनोमियल नहीं था, और यहां पे ये क्या है, ये भी क्या पॉलिनोमियल है, नहीं ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। देखो कैसे यहां पे 2x²y - 3/xy हो गया, तो 3/xy मतलब ये जब ऊपर जाएगा तो 3 into xy to the power -1 हो जाएगा हम लोग का, इसीलिए ये और ये जो है पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि टू द पावर में नेगेटिव हो जा रहा है। अब कुछ बच्चे का क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर क्या हम लोग को ऐसे दिखाना है, बेटा तुम दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, बस रीजन लिख देना ये वाले टर्म का, क्योंकि ड्यू टू बिकॉज ऑफ दिस टर्म, ये रीजन तुम लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो क्या है यहाँ पे, एड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, तो एड करना है। मैंने कितना टाइप का एड दिखा था, दो टाइप का एड दिखा था, एक जो है रो वाइज एड दिखा था, एक जो है कॉलम वाइज एड दिखा था। मतलब हम लोग अगर नॉर्मल एड कर रहे हैं तो 2+2 हम लोग 4 ऐसे कर सकते हैं, दूसरा 2+2 4 ऐसे कर सकते हैं, इसको कहता है रो वाइज एडिशन, इसको कहता है कॉलम वाइज एडिशन। तो हम दो मेथड ही इंट्रो वीडियो में ऑलरेडी सिखाया है, तो वहां पे जाके चेक कर लो। और भी क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में देखो। अब ये वाले क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, हम कौन सा वाले मेथड प्रेफर करते हैं ये भी बताएगा। देखो AB - BC, BC - CA, CA - AB, तो यहां पे क्या करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद इसका नेक्स्ट लाइन में एक और बार कॉपी करेंगे, बट ये कॉमा के जगह पे प्लस दे देंगे। बात समझ में, ये कब करना है, जब ये एडिशन वाले होगा, जब ये एडिशन होगा, मतलब समझो जब ये एडिशन होगा तब ऐसे करना है। सब्ट्रैक्शन का लॉजिक अलग है, सब्ट्रैक्शन का लॉजिक अलग है, जब ऐड करना है तब ऐसे करना है। अब देखो सेम सेम जो है, मतलब यहाँ पे प्लस ए बी, यहाँ पे माइनस ए बी कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो बचा क्या है जीरो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कुछ नहीं बचता है तो वहां पे क्या बचता है, जीरो बचता है। जैसे कि +2 - 2 कैंसिल आउट होके जीरो होता है, +10 - 10 कैंसिल आउट होके जीरो होता है, +2xy - 2xy मतलब ये प्लस कर दो, +2xy - 2xy कैंसिल आउट होके जीरो होता है, हमेशा प्लस माइनस के टाइम कैंसिल आउट होके जीरो होता है। तो यहां पे भी और कुछ नहीं बचा, दैट मींस यहां पे क्या बचेगा, जीरो बचेगा। कंसेप्ट समझ में आया। अब नंबर टू देखो, नंबर टू में क्या है, मैंने वही बताया, तो यहां पे क्या है 5p²q² + 4pq, अब क्या है नीचे यहां पे +7 ऐसा है, इसके बाद कॉमन देके दूसरा वाला है 3+9pq - 2p²q² ऐसा है। तो फिर हम क्या बताया, ये कॉमा के जगह पे प्लस साइन पुट कर दो, नेक्स्ट स्टेप में करना, नेक्स्ट स्टेप में हम ये सेम स्टेप पे कर रहे हैं, इसका मतलब तुम लोग भी ऐसा मत करना, क्या करना नेक्स्ट स्टेप में करना, ठीक है। अब देखो किसके साथ किसका काम होगा, यहाँ पे ये वेरिएबल्स चेक करना, वेरिएबल्स अगर सेम है तो वेरिएबल्स का काम होगा। अब काम को कैसे करना है, एक मेथड मैंने सिखाया था, पहले क्या है साइन, उसके बाद क्या है नंबर्स, उसके बाद क्या है वेरिएबल्स। बात समझ में आया, ये जो है ये कंसेप्ट है, उसके बाद वेरिएबल्स। तो पहले साइन क्या हो जाएगा, ओनली साइन, मतलब यहाँ पे क्या है +5 - 2, तो क्या हो जाएगा बड़ा नंबर का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो बड़ा नंबर मतलब प्लस है, प्लस साइन बैठ के सम विल बी
सबट्रैक्टेड तो प्लस सी। अच्छा ये वाली चीज अगर तुम्हारे दिमाग में नहीं है कि सर कैसे हो रहा है, ये मैंने क्लास 7 का 1B में समझाया है, चैप्टर नंबर 1B सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स का 1B, हम नीचे लिंक दे देगा वहां से समझ सकते हो। या फिर जब मैंने चैप्टर 1 करवाया वहां पे भी मैंने पूरा कंसेप्ट मैंने वहां पे मतलब स्टार्टिंग में ही एकदम करवाया था, वो इंट्रो वीडियो जो है पुराना वीडियो से एकदम एडजस्ट करके एक ही वीडियो में वो लाया है, तो उसका लिंक भी नीचे गिवन रहेगा, वहां से तुम पूरा ये रियल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, जो भी हो, नंबर सिस्टम हो, तो जो पूरा कंसेप्ट है ये नंबर सिस्टम का पूरा कंसेप्ट तुम्हारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो वाले वीडियो को मिस मत करना, जरूर देखना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट पहले जो है कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, लेकिन एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद तुमको क्या सीखना है, कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है, और कंसेप्ट सीख गए हो, कंसेप्ट को अप्लाई करना सीख गए हो, अब और कुछ नहीं बचता है ना। तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल्स है तो पी स्क्वायर, ये तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आया, प्लस 3 आया, तो यहाँ पे प्लस 3 इसके बाद वेरिएबल लिख देंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे भाई साहब क्या है प्लस पी क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस 9 पी क्यू, तो हम लोग क्या करेंगे साइड में प्लस 4 प्लस 9 लिख लेंगे, कितना होता है 9 प्लस 4 13 होता है, प्लस 13 प्लस प्लस में प्लस आता है, तो यहाँ पे प्लस 13। हम बार बार बोल रहे हैं कि ये वाले कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, पूरा रैशनल नंबर का कंसेप्ट जो है वो दिमाग में पुट कर लो, नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस बनेगा नहीं, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या बचा, 7 प्लस 3 कितना हो जाता है प्लस 10, तो यही जो है ये आंसर है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि दूसरा एक मेथड बता रहे थे कि जो है कॉलम मेथड, ये क्या है रो वाइज मेथड है ना, तो अब जो है कॉलम मेथड, कॉलम मेथड में कैसे लिखना है, ऊपर नीचे करना है ना, तो क्वेश्चन को कैसे लिखना है, पहले देखो यहां पे क्या है 5p² q² + 4pq + 7, ठीक है ना। अब देखो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे यहां पे क्या है 5p² q², ये यहां पे ये वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा तुमको घुमा के लिखना पड़ेगा, मतलब जो है जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 के सामने क्या है प्लस 3 है, तो प्लस 3 नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे, बात समझ में आया। अब क्या करेंगे यहाँ पे 9pq + 9pq, तो यहाँ पे क्या प्लस 9pq, तो pq के नीचे pq लिखेंगे। अब यहाँ पे थर्ड में क्या है, यहाँ पे क्या है -2p² q², तो यहाँ पे -2p² q² करेंगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है। अब इसका सोल्यूशन करना है, और ये प्लस है तो नॉर्मली प्लस है, तो जैसा जैसा क्वेश्चन है 7 + 3 कितना हो जाता है प्लस 10, और यहाँ पे एक बात याद रखना यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, जिसका काम वहीं पे करना है, जैसे कि ये दोनों का काम यहाँ पे ही करना है प्लस 4pq + 9pq, तो 9 + 4 कितना हो जाता है प्लस 13pq, बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक प्लस 5p² q² -2p² q², तो फिर यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के प्लस साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड p² q², अब आंसर चेक करो दोनों का सेम आया है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है हम लोग का कॉलम मेथड और ये जो है हम लोग का रो वाइज मेथड, तो यही दो मेथड के बारे में हम बता रहे थे जो जिससे हमने दिखाया है कि कैसे क्या सॉल्व करोगे। अब थर्ड वन फोर्थ वन खुद बना सकते हो, चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है l² + m² + l² + mn + mn + mn + nl + nl + lm, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है जितना सारे कॉमा है ना, मतलब यहाँ पे जितना सारे कॉमा है वो सारे कॉमा की जगह पे मैंने प्लस लगा दिया। अब काम किस किस का होगा, देखो ये एल स्क्वायर यहाँ पे कहीं पे नहीं है, यहाँ पे एम स्क्वायर कहीं पे नहीं है, यहाँ पे एन स्क्वायर कहीं पे नहीं है, यहाँ पे एल एम है, यहाँ पे भी एल एम है, तो फिर जब एड कर रहे हैं ना तब जिसका जिसका कंडीशन नहीं है वो कंडीशन क्या कर रहा है नीचे लिख लेना, यहाँ पे एल स्क्वायर, यहाँ पे एम स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक एल एम है, यहाँ पे दूसरा एल एम है, तो फिर क्या करना है यहाँ पे 2LM लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो 2MN है तो फिर प्लस 2MN, ठीक है, और 2NL है तो प्लस 2NL। तो इसके बाद तुम चाहो तो एक और एक स्टेप कर सकते हो, जैसे कि हम लोग का एक क्वेश्चन होता है कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ऐसा वाले फॉर्मूला एक होता है, तो यहाँ पे देखो वैसा ही टाइप का कुछ फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एल एम MN और NL, ठीक है ना, वैसा ही टाइप का, तो इसको लिख सकते हो कि l² m² + n² + 2 कॉमन लेके LM + MN + NN, तो ये जो है फॉर्मूला में हो गया, तो फिर इसको लिख सकते हो कि l + m + n इसका होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते, तो यहां तक तुम आ सकते हो, लेकिन आने के बाद ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करते हैं, पता है तुम क्लास 8 में हो तो तुम्हारा स्कूल में जैसा जैसा कहा जाएगा तुम वैसा वैसा करोगे। देखो मैथ्स में जनरली हम लोग को करना क्या, जब तक काम होते रहेगा तब तक हम लोग को करना है, जनरली बहुत सारे स्कूल है यहां तक एंड कर देता है, बताता है कि बस तुमको ऐड करना है तो यहीं तक तुम एंड कर दो, बहुत सारे स्कूल है ये बताता है कि जब तक काम होगा, मतलब अगर ये हमको देख के लग रहा है कि ये फॉर्मूला में आएगा
तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला में पुट करना है, समझ में आ रहा है, फॉर्मूला में पुट करना है। और ये फॉर्मूला किसका है, ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। अब अगर तुम लोग का कुछ स्कूल में अभी तक या फिर कुछ बच्चे का मन में ऐसा फील होगा कि सर मैंने तो अभी तक ये सारे फॉर्मूला कुछ सिखा ही नहीं है, तो फिर हम कैसे अप्लाई करें। देखो बेटा, ये हम इसके लिए बता रहे हैं कि तुम्हारा एनुअल एग्जाम के लिए बता रहे हैं, हम जब सिखाएगा पूरा सिखाएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हारा हाफ ईयरली के लिए इतना, एनुअली के लिए इतना, ऐसे नहीं सिखाएंगे, जो सिखाएंगे जो जो होता है वो सारा सिखाएंगे। तो फिर यहाँ पे जब तुम 8 का एंड में पहुंच जाओगे ना, तो ये सारा फॉर्मूला तुमको पता होगा, तुम्हारा दिमाग में होगा, तो तब तुम्हारा अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो तुमको ऐसे ही सॉल्व करना है, तो क्यों ना हम अभी से सीख ले, क्योंकि बाद में जाके हमको तो सीखना ही है, तो अभी से सीख लो। ये होता है फॉर्मूला, जैसे कि ऐसा एल्जेब्रा का कोई भी मतलब बहुत सारे टाइप का फॉर्मूला आएगा, जो फॉर्मूला तुमको लर्न करना है, लर्न करके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां पे जैसे कि a प्लस बी कौन सा फॉर्मूला करना है वो हम बता रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, एंड देन एंड में आता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इतना सारे फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तो अभी से गूगल पे सर्च करके या फिर ये वो करके ये सारे फॉर्मूला कर लो, क्योंकि मैंने जब क्लास 8 का मैंने जब ये एलजेब्रा करवाया था तो ये वाले फॉर्मूला जो है ऑलरेडी बताया था, तो यहाँ पे भी हम बता सकते थे, तो फिर ठीक है चलो फिर यहाँ पे बता देंगे। तो जो है तो तब तुम लोग ये वाले जो फॉर्मूला जो है वो स्क्रीन में देख ही रहे हो, इसको लर्न कर लेना, बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो अगर जो बच्चे क्या दिक्कत हो रहा है तो फिर गूगल में सर्च करना, लिख लेना, तो कॉपी में लिख के ये सारे लर्न कर लो। जब तक फॉर्मूला मतलब मैथ्स में ये होता है मतलब जब तक काम होगा ना तब तक करना है, ऐसा नहीं कि पहले एंड हो जाएगा, बस एड करके एंड हो जाएगा। अगर वो एक फॉर्मूला में पुट हो रहा है तो उस फॉर्मूला में हमको पुट करना है, ये है ओरिजिनल, मतलब मैथ्स ऐसे सॉल्व होता है, जब तक होगा तब तक करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि बस ऐड करना तो ऐड करके छोड़ दो, बहुत सारे स्कूल में वहां तक करते हैं, लेकिन लॉजिक जो मतलब जनरल जो लॉजिक है वही ना हम सिखाएगा। तो चलो फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे नंबर 4 करते हैं। नंबर 4 का क्वेश्चन भी वैसा ही है, देखो यहाँ पे 4x³ - 7x² + 9 + 3x² - 5x + 4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7x³ - 11x + 1 + 6x² - 13x। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सर आप तो कॉलम वाइज नहीं करवा रहे हो, रो वाइज करवा रहे हो। कॉलम वाइज अगर हम लोग स्कूल में बोलेगा, बेटा देखो स्कूल में अगर कॉलम वाइज बोलेगा ना तो फिर एक बार पूछ लेना कि सर हम रो वाइज कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आगे जाके ना मतलब क्लास 9 में या फिर क्लास 10 में ना तुम जितना रो वाइज सॉल्यूशन तुम प्रैक्टिस करोगे क्लास 7 एंड 11 में उतना ही इजी रहेगा वहां पे कैलकुलेट करने का, क्योंकि वहां पे जो है ना ये रो वाइज एडिशन रो वाइज सब्ट्रैक्शन का बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां पे कॉलम वाइज आता ही नहीं है 9-10 में। तो फिर यहां पे क्लास 8 में जो 9-10 में करना है वही हम सिखाते हैं और वही सीखो तुम, तो फिर क्या हो जाता है ना 9-10 वाले कांसेप्ट दिमाग में घुस जाते हैं। तो यहां पे कॉलम वाइज सीखोगे तो 10 में कि जनरली जो है हम क्या कहते हैं, मान लो कि 289 × 17, तो तुम लोग क्या करते हो 7 से पूरा इसको मल्टीप्लाई करते हो, देन क्रॉस करके 1 से पूरा मल्टीप्लाई करते हो, देन ये एडेड अप करते हो, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम प्रेफर नहीं करते, हम क्या कहते हैं अगर 17 का मल्टीप्लिकेशन है तो डायरेक्टली 17 का मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न करो और लर्न करके 17 से डायरेक्टली बनाओ, डायरेक्टली ये वाले स्टेप आएगा, ये बीच का दो स्टेप करना ही नहीं है, ये मेरा मेथड है। ये हम हमेशा कहते हैं कि 20 तक मल्टीप्लीकेशन टेबल लर्न कर लो, स्क्वायरिंग 30 तक लर्न कर लो और क्यूबिंग जो है 10 तक लर्न कर लो, ये बहुत ईजी होता है कैलकुलेशन करने के लिए आगे जाके। तो 7-8 लेवल से अगर ये करने लगोगे ना तो आगे जाके बहुत ईजी होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 4x³ + 7x³, तब क्या हो जाएगा, पहले साइन चेक करो, यहाँ पे प्लस 4 है प्लस 7 है, तो यहाँ पे प्लस 7 प्लस 4 कितना 11x³, बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7x² है, मतलब 7x², यहाँ पे 3x², यहाँ पे 6x², तो अब एडिशन वाले कर लो, तो यहाँ पे प्लस 3 प्लस 6 कितना हो जाता है 9, तो अगर दिक्कत हो रहा है तो माइनस 7 प्लस 3 प्लस 6 ऐसे लिख लिया करो, तो माइनस 7 प्लस 6 3 9, अब जो है बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो आंसर आया प्लस 2 एंडिंग में, तो प्लस 2x², समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब देखो यहाँ पे प्लस 9, यहाँ पे प्लस 4, यहाँ पे प्लस 1, तो फिर कितना हो जाता है प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, तो 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14, तो प्लस 14 ओनली नंबर है तो हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो है माइनस 5x, यहाँ पे है माइनस 11x माइनस 13x, तो माइनस 5 माइनस 11 माइनस 13 ओनली नंबर्स को लिख लिया। अब देखो सारा का सारा माइनस में है तो माइनस साइन बैठ के सम विल बी प्लस, तो यहाँ पे 11 प्लस 5 कितना हो जाता है 16, तो 16 प्लस 13, तो यहाँ पे 16 माइनस 13 करो, तो माइनस साइन बैठ के सम विल
बी प्लस, तो 6+3 कितना हो जाता है 9 एंड 1+1 हो जाएगा 2, तो फिर -29, तो -29x, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? जो बच्चे का लगेगा सर इसको कॉलम मेथड में दिखाएंगे, बट देखो कॉलम मेथड हम प्रेफर नहीं करते इसीलिए हम नहीं दिखा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे जो बच्चे का ऐसा फील होगा, तो जिसके नीचे जैसा है वैसा पुट करना, जैसे कि यहाँ पे 4x³ - 7x² + 9, दूसरे वाला क्या है यहाँ पे 3x² से +4 तक, ठीक है ना। तो ये जो है 3x² है, तो यहाँ पे +3x² - 5x, तो यहाँ पे है ही नहीं, तो -5x को इधर लिखो, +4 को यहाँ पे लिखो, देन क्या है 7x³ से लेके 1 तक, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 7x³ - 11x, तो उसके x के नीचे यहाँ पे लिखना है 11x एंड +1 यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो छोड़ दो, ठीक है ना, ऐसा करके लिखना होता है। एंड देन 6x², तो यहाँ पे +6x² - 13x, ठीक है, ऐसा करके, और बीच में जहां पे जो नहीं है वहां पे तुम जीरो पुट कर दो, जीरो 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 पुट कर, अब यहां पे भी जीरो पुट कर दो, तो जीरो के बाद साइन एक लगाना है, यहां पे प्लस लगा दो, यहां पे भी प्लस लगा दो, यहां पे भी प्लस लगा दो, तो प्लस जीरो करो तो फुलफिल हो गया। अब ऐड कर लो, लेकिन इसका ऐड करके यहीं पे लिखना, इसका ऐड करके यहीं पे लिखना, इसका ऐड करके यहीं पे लिखना, यहां पे क्या हो जाता है ना, यहां पे मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, और बाकी का यहाँ पे लिख दो, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे देखो 7+4 11x³, तो देखो यहाँ पे हो गया, तो इस साइड से करो या फिर इस साइड से करो बात सेम हो जाएगा, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो है और वाले, ये जो है कॉलम वाले मेथड दिखा, लेकिन कॉलम वाले मेथड हम प्रेफर नहीं करते ना, तो इसीलिए नहीं दिखा रहे उतना। तो अब देखो यहाँ पे जो है 4 में क्या है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट के टाइम मान लो कि सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 20, तो हम लोग क्या लिखते हैं 20 - 10 करते हैं ना, तो यहाँ पे भी वही वाले बात करेंगे, तो फ्रॉम के बाद जो है उसको सामने बिठाएंगे, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 4 part 1 का क्वेश्चन हो जाएगा 14a - 5ab + 7b - 5, ठीक है ना। तो ये देखो एक ब्रैकेट, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के टाइम हमेशा ब्रैकेट देना है, माइनस करके यहाँ पे ये लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना। क्यों ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि ब्रैकेट में हमेशा क्या होता है ना सब्ट्रैक्शन के टाइम, ये सामने वाला जैसा है ऐसा सही रहेगा, लेकिन ये बाद वाले जो होगा इसका सारा का साइन चेंज हो जाएगा, जैसे कि -8a, माइनस प्लस में -3ab, देन माइनस माइनस पे +2b, माइनस प्लस में -7, ठीक है ना, तो ऐसा करके चेंज हो जाएगा। अब काम कैसे होगा, अब नॉर्मल एडिशन वाले काम, एडिशन में जो काम कर रहे थे वैसा ही काम होगा, देखो 14a के साथ 8a का काम होगा, तो साइन को पहले लिख लो, बड़ा का साइन बैठेगा, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 8+6 करो तो 14 हो जाता है, तो 6a, ठीक है ना। अब 5ab के साथ 3ab, तो दोनों का ही माइनस है, तो माइनस साइन बैठ गया, सम विल बी एडेड, तो 5+3 कितना हो जाएगा 8ab, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे +7b + 2b, तो +7 + 2 यहां पे हो जाएगा 9b, समझ में आया, यहां पे -5 - 7, तो माइनस का साइन बैठ गया, सम विल बी एडेड, तो 7+5 = 12, तो यही हो जाएगा आंसर, समझ में आया कि नहीं। फ्रॉम के बाद जो है वो पहले बैठेगा, फ्रॉम के बाद जो है वो पहले बैठेगा, एंड ये ब्रैकेट दे के बिठाना, क्योंकि ये जो है ब्रैकेट का साइन जो है ये सारा का सारा चेंज हो जाता है। तो ये number 2 and number 3 आई थिंक तुम लोग कर लोगे, तो कर लेना, कुछ नहीं है, बस ये सेकेंड वन, ये जो सेकेंड वन है इसको पहले पुट करो, देन विथ ब्रैकेट, देन माइनस देके ये वाले ब्रैकेट, ठीक है ना। फर्स्ट वन यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे जो हम लिख देते हैं सेकेंड वन, यहाँ पे जो है फर्स्ट वन, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है इस वाले का, मतलब ये जो है इस वाले का साइन चेंज, साइन चेंज, ठीक है ना, यहाँ पे साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, सेकंड स्टेप का ये जो है इसका साइन चेंज हो जाए, इसका नहीं होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है, ये सेकंड स्टेप है। अब जो है नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, ब्रैकेट हट जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, यहाँ पे कुछ बच्चे का प्रॉब्लम यह है कि ये बता सकते हैं कि सर जब हम माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ब्रैकेट हट जाएगा, हाँ बेटा हट जाएगा, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो बताया गया है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस, मतलब सब्ट्रैक्ट द सम, तो पहले तुमको सम करना है, ये दोनों का सम करना है, तो फिर क्या 3x² + 5xy + 7y² + 3+2x² - 4xy - 3y² + 7, इसका सम करना है, तो इसका आंसर मान लो ए निकला हम लोगों का, ये सम करके आंसर ए निकला। अब क्या करना है, ये सम फ्रॉम दिस, तो फिर ये 9x² - 8xy + 11y² ये पहले बैठेगा, देन माइनस ये ए बैठेगा, देन ए का साइन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में एज साइन चेंज, ठीक है ना, ये ए का साइन चेंज हो जाएगा, एंड देन नॉर्मल वाले सॉल्व जो है उसके बाद तो नॉर्मल ही आ जाएगा। आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन तो समझाया उससे, आई थिंक समझ गया होंगे तुम लोग, है ना, समझ में आ गया है। अब चलो आगे चलते हैं, ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का बताया, अभी चलो नंबर 6 बनाते हैं। नंबर 6 जो है कैसे क्या होगा, देखो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस, मतलब यहाँ पे एक बात आता है, देखो मतलब तुमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, तो एक्स सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस, तो कैसे लिखेंगे 3a² - 5ab - 2b² - 3, इससे
x को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब दिस सब्ट्रैक्शन x, दैट इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हम लोगों का, 5a² माइनस 7ab माइनस 3b² प्लस 3a, समझ में आ रहा है, ये करेंगे। अब देखो क्या है यहां पे, ये जो है ना ये माइनस एक्स है, हमको x ढूंढना है, तो x को अब राइट साइड भेज दो, तो क्या है 3a² लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व कर रहे हैं, 3a² माइनस 5ab माइनस 2b² माइनस 3, ठीक है ना। अब x को राइट साइड भेज दो और ये पूरा वाले को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो फिर ये लेफ्ट साइड आएगा तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 5a² प्लस 7ab प्लस 3b² माइनस 3a था, है ना, 3a दैट इज इक्वल्स टू x, x को पॉजिटिव में रखना है क्योंकि x का वैल्यू चाहिए, तो फिर ये माइनस x को राइट साइड लेके चला गया और लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना ऐसा करके याद रखते हो कि जब सब्ट्रैक्शन बोलेगा तब ऐड करेंगे, जब ऐड बोलेगा तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब मल्टीप्लाई बोलेगा तब डिवाइड करेंगे, ऐसा करके याद रखते हो, लेकिन मेरा लॉजिक ये है कि लीनियर इक्वेशन मैंने एकदम स्टार्टिंग में सिखाया है और लीनियर इक्वेशन का सारा अपलोडेड है, क्लास 7 का, क्लास 8 का, क्लास 9 का सारा अपलोडेड है, तो वहां से तुम लोग सीख सकते हो कि लीनियर इक्वेशन कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम स्टार्टिंग में हमेशा लीनियर इक्वेशन सिखाते हैं, तो लीनियर इक्वेशन एक बार सीख लो। तो फिर अब जो है यहां पे नॉर्मल कैलकुलेशन देखो, 3a² के साथ यहां पे 3a का काम होगा, अरे 3a का काम तो नहीं होगा, 3a² यहां पे 5a², तो फिर बड़ा का साइन बैठ के यहां पे आएगा 2a², ठीक है ना। अब जो है आगे बना लो दैट इज इक्वल्स टू x, तो यही आ जाएगा हम लोग का आंसर, समझ में आया कैसे किए। ये नंबर 6 ना हमेशा ऐसे करना कि जो नंबर तुमको ऐड करना है या फिर सबट्रैक्ट करना है उसको x ले लो। अब पॉजिटिव x को निकालो, यहां पे x जो है नेगेटिव में था, इसको मैंने राइट साइड इसको सेंड कर दिया और बाकी जितना सारा था इसको मैंने लेफ्ट साइड लेके आया, तो जब लेफ्ट साइड आएगा तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वही मैंने बताया। अब चलो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 7p² माइनस 5p प्लस 11 एंड टू ऑफ इट्स साइड्स दिस एंड दिस। तो फिर पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, एक ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर मतलब बॉर्डर होता है, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, तो फिर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, जनरली ऐसे होता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे क्या है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल एक का ये दिया है एंड टू साइड्स का ये बताया गया है, तो फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो फिर यहां पे क्या करेंगे हम लोग का लॉजिक क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल्स टू क्या है, पेरीमीटर, है ना, ये लिख लेंगे। अब देखो इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज इतना, तो फिर पेरीमीटर के नीचे उसका वैल्यू लिख लो, क्या है, 7p² माइनस 5p प्लस 11, ठीक है, ये लिख लो। अब देखो क्या बताया गया है, बताया गया है कि टू साइड्स आर दिस एंड दिस, तो टू साइड्स मान लो कि a एंड b है, तो a एंड b की जगह पे a के नीचे ये लिख लो, p² प्लस 2p माइनस 1 प्लस 3p² माइनस 6p प्लस 3 प्लस सी, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा क्योंकि ये सी जो है सी मेरे को पता नहीं है, ए का वैल्यू मेरे को पता है, ये वाला है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू मेरे को पता है, ये है बी का वैल्यू, तो बीच में प्लस क्यों बिठाया, क्योंकि मेरे को पेरीमीटर का फॉर्मूला में दिख गया था कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो ये तो प्लस फॉर्मूला से आया, ठीक है ना, ये वाले प्लस एंड ये वाले प्लस फॉर्मूला से आया। अब क्या करेंगे, अब हमको ढूंढना क्या है, सी ढूंढना है ना, तो फिर ये दोनों को प्लस है तो प्लस करके राइट साइड सेंड कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे p² प्लस 3p², तो फिर क्या हो जाएगा 4p², इसको हटा दे। अब देखो ये p² प्लस 3p² 4p² यहाँ पे क्या है, प्लस 2p माइनस 6p, तो फिर बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, 4p यहाँ पे माइनस 1 प्लस 3, तो यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ गया, सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो प्लस 2 प्लस सी, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है 7p² माइनस 5p प्लस 11, तो ये आया। अब क्या है मेरे को सी ढूंढना है, तो फिर ये पूरा जो है इसको राइट साइड सेंड कर देंगे 1/1, तो अगर राइट साइड सेंड कर देंगे 1/1 तो क्या आ जाएगा, देखो यहां पे c इक्वल्स टू 7p² माइनस 5p प्लस 11, इसके बाद ये जो है राइट साइड जाएगा तो एक एक करके साइन इसको चेंज करते रहो, तो ये जाएगा तो माइनस 4p² देन प्लस 4p माइनस 2, ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहां पे क्या है 7p² माइनस 4p², तो यहां पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड 3p², यहां पे माइनस 5p यहां पे प्लस 4p, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड 1p हो जाएगा। अब देखो यहां पे प्लस 11 माइनस 2, तो बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 9 हो जाएगा। तो c का वैल्यू क्या है, ये आ गया हम लोग का c का वैल्यू, जो मेरा साइड था, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, तो फिर आंसर में लिख लेना कि, ठीक है, तो चलो फिर ये आंसर आ गया, ठीक है। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 10.2, देखते हैं 10.2 में क्या है। यहां पे कुछ नहीं, यहां पे बस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं चलो वो देख लेते हैं फिर बनाएंगे। तो फिर 10.1 यहाँ पे एंड हो रहा है, तो 10.1 यहाँ पे एंड हो रहा है, तो इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से समझो, कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अलग टाइप का सम्स चाहिए तो फिर क्या करना, तो सेलिना कंसाइज का नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक हुआ होगा, वहां से तुम चेक कर सकते हो, वहां पे तुम देख सकते हो, वहां से तुम सीख सकते हो, ठीक है ना। तो इंट्रो वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कंसेप्ट एंड मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यही दोनों को ग्रैब करो, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे एक्सरसाइज एंड, क्लास एंड।